hello friends this is miss medico miss medico channel and today's topic of discussion is adrenergic receptors we are going to study adrenergic receptors if we talk of these receptors they are seven pass receptors they pass the membrane seven times they are also called g protein coupled receptors or serpentine receptors and located these are located on nerves as well as target organs

और अल्फा टू में अल्फा रिसेप्टर को फर्दर डिवाइड किया गया है अल्फा वन एंड अल्फा टू और बीटा रिसेप्टर्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है इनटू बीटा वन बीटा टू एंड बीटा थ्री अगर हम बात करेंगे अल्फा वन रिसेप्टर की तो मैंने पहले ही कहा दीज एड्रर्जिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन का तो जी प्रोटीन के वेरियस फॉर्म्स होते हैं वी हैव जी क्यू फॉरम वी हैव जी आई फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन वी हैव जी स्टूमलेटरी फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन सो एल्फ़ा वन जो है वो रिलेटेड होता है जी फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन और जब हमारा जो लाइगेंट होता है एड्रनलिन नॉर एड्रनलिन एल्फ़ा वन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो ये क्या करता है सेल में ये इनस्ट्रॉल ट्राईफॉस्फेट को इंक्रीज करता है और डाइसाइल ग्रेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करता है और ये कैल्शियम चैनल को ओपन करके इंक्रीज कैल्शियम जो है इंट्रा कैल्शियम को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से फिर फर्दर एक्शन होती है तो एल्फा वन का काम है कैल्शियम चैनल और डी ए जी आई पी थ्री को इंक्रीज़ करना अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन दिस्क्रि में आपको लिंक दे दूंगी ठीक है ये हमने एस्टाइल कॉलिन के रिसेप्टर्स जब पढ़े थे मास्क्रिनिक रिसेप्टर्स इनका मैकेानिज़म की कैसे आई थ्री और डी जी इंक्रीज़ होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और कैलशियम चैनल जो है वो ओपन होकर कैल्शियम की इंटरनल इंट्रा सेल्यूलर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है अल्फा वन रिसेप्टर क्योंकि ये लिंक होता है जी क्यू फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन के साथ अगर हम अल्फ़ा टू रिसेप्टर की बात करेंगे ये जी इनहिबिटरी फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन के साथ लिंक होता है जिसकी वजह से ये साइकिलिक एम को डिक्रीज़ करता है कैल्शियम ई फ्लक्स को इंक्रीज करता है और कैल्शियम इनफ्लक्स को डिक्रीज करता है ना ही कैल्शियम सेल के अंदर जाने देता है और जो फ्लक्स e है कैल्शियम का आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलूलर फ्लूड में वो इंक्रीज करता है यानी पोटेशियम सॉरी इसकी फ्लक्स e करता है और जो सी एम पी है उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है जिसकी वजह से फिर एक्शन सारे इनहिबिट होते हैं तो अल्फ़ा टू जी इनहिबिटरी के साथ एसोसिएट होता है अब रहा बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री होते हैं बीटा वन जो है वो जी स्टूमलेटरी होते हैं और बीटा टू भी जी स्टूमलेटरी होता है ये दोनों के जो है अगर हम एड्रेनालिन की बात करेंगे हमारे लाइगेंड की और एड्रेनालिन की जब ये बीटा वन रिसेप्टर या बीटा टू रिसेप्टर के वो आ, के साथ कॉम्बाइन होते हैं तो ये जी स्टमलेटरी को स्टमलेट करते हैं जी प्रोटीन के स्टमलेटरी फॉर्म को स्टमलेट करते हैं जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होता है और कैल्शियम का इन्फ़्लक्स बढ़ता है यानी इंट्रा सेलुलर कैल्शियम इंक्रीज होता है ये है बीटा वन और बीटा टू जो है वो सेम एक्ट करता है यानी दोनों स्टूमलेटरी होते हैं बीटा वन बीटा टू स्टूमलेटरी होते हैं हम इनको कैसे रिमेंबर कर सकते हैं इसके लिए निमोनिक है किस क्यू आई एस एस जो जी प्रोटीन क्यों फॉर्म होता है वो अल्फ़ा वन रिसेप्टर के साथ लिंक रहता है जी इज़ लिंक्ड विद अल्फा वन आप से सीधे जी प्रोटीन के याद रखें और फिर अल्फा वन जो है वो क्यू के साथ क्यू फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड है आई फॉर्म के साथ अल्फा टू लिंक्ड है स्टूमलेटरी एस के साथ बीटा वन और बीटा टू एस के साथ लिंक्ड होते हैं जी फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं अगले लेक्चर में हम लोग इन रिसेप्टर्स की लोकेशन पढ़ते हैं आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा थैंक यू